आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोई भी फोटो या वीडियो बिना किसी एप्लीकेशन के मदद लिए हुए कैसे हाइड कर सकते हैं गैलरी से या फाइल मैनेजर से। जी हाँ दोस्तों, आप बड़ी आसानी से कोई भी फोटो वीडियो हाइड कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से, गैलरी से या आप फाइल मैनेजर से करिए, किसी से भी कर सकते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि आप उसे अनहाइड कैसे कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहां से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कोई मैं फोटो या वीडियो हाइड करना चाहता हूं, गैलरी से ये फोटो हाइड करना चाहूंगा। ये फोटो आप यहां से देख सकते हैं, SBI योनो का है। ये फोटो मैं हाइड करना चाहूंगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना फाइल मैनेजर ऑन करना है। जो भी फोटो आपका फोन मेमोरी में है या मेमोरी में है, उसे फोटो को यहां से उसी फाइल में चले जाना। जैसे कि मैं इंटरनल स्टोरेज में चला जाऊंगा, यहां से आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट फोल्डर में जाना है और एक यहाँ से फोल्डर कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं पर्सनल कर देता हूँ, यहाँ पे पर्सनल करके इसे मैं सेव कर देता हूँ, क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी फोटो आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ से ढूंढ लेना कहाँ फोटो आपका है। जैसे कि मेरा फोटो स्क्रीनशॉट में है, तो मैं इसे स्क्रीनशॉट में ढूंढ लूंगा। स्क्रीनशॉट में जाने के बाद आप यहाँ से, आपको SBI का ये है फोटो ना, तो आपको इसको क्या करना है, मूव करना है। सबसे पहले इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे मूव का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे मूव कर लेना है। जैसे मूव करेंगे, उसके बाद आपको जो फोल्डर आप नया बनाए थे उस फोल्डर में इसे पेस्ट कर देना है, मूव हियर कर देंगे। जैसे कि ये फोल्डर आपको ढूंढ लेना है, कहाँ फोल्डर है आपका, ठीक है, यहाँ से आपको ढूंढ लेना है। तो देख सकते हैं आपका फोल्डर यहाँ पे नीचे साइड मिल गया, यहाँ पर्सनल देख सकते हैं, इसमें पर्सनल में चले जाएंगे, इसे मूव हियर कर देंगे। जैसे मूव हियर कर देंगे, आपका ये फोल्डर में वो फाइल मूव हो गया है उसमें, ठीक है। तो आप उसको क्या करना है, फिर से आपको ये फोल्डर ढूंढ लेना है, जहाँ भी फोल्डर है आपका यहाँ से ढूंढ लेते हैं। उसके बाद इसे प्रेस करके रखेंगे, यहाँ थ्री डॉट में जाएंगे, थ्री डॉट में जाने के बाद इसे रीनेम कर देंगे। इसका रीनेम करने क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो भी नाम है उसके आगे इसे डॉट लगा देना है। डॉट जैसे लगा देंगे, रीनेम कर देंगे, तो आपका ये फोल्डर हाइड हो चुका है, यानी छुप चुका है दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मैं आपको गैलरी से जाके दिखा देता हूँ कि मैं गैलरी में ये फोटो है कि नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फोटो नहीं है आपको SBI का, मैं यहाँ से दिख रहा था स्क्रीनशॉट का, देख सकते हैं आप यहाँ से कोई भी फोटो नहीं है। आप इसको अगर निकालना चाहते हैं दोबारा से क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से आपको फाइल में चले जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट में चले जाना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे शो हिडन फाइल्स में इसे ऑन कर देना। जैसे ऑन करेंगे आपका फाइल यहाँ पे दिखाई दे देगा। आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर्सनल नाम से फाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हाइड करके ना रखें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फिर से आपको रीनेम करना है, ठीक है। रीनेम करने के बाद आपको यहाँ से आपका जो भी ये डॉट लगाए थे इसको हटा देंगे। तो रीनेम करने के बाद, हटा देने के बाद आपका ये फाइल दोबारा से आपके गैलरी में दिखने लग जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप कोई भी फोटो वीडियो हाइड कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन का। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।